भूमि अधिग्रहण बिल पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दल के तकरीबन 125 सांसद राष्ट्रपति से मिले और राष्ट्रपति को सांसदों ने मेमोरेंडम सौंपा। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च किया। 100 से ज्यादा सांसद इस मार्च में शामिल हुए। ये सांसद तख्तियां लिए हुए और भूमि बिल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने यह रास्ता आम लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया था। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा कि उसकी तरफ से मार्च पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। जमीन अधिग्रहण बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है। इससे पहले सोमवार को भी कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। रास्ते में पुलिस ने उनका रास्ता भी रोका, जिस पर दोनों के बीच जमकर झड़प भी हुई थी। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल भी हुए थे। अब केंद्र का अगला कदम क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।